सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हैं मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। और ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि एक साथ आज पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। ये माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उस सपने को साकार करता है जिसका वचन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हम सबको दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 2021 में कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देखिए आज उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया और ज़ोरदार तालियों से हम सब इस बात की गवाही दें कि हम सब बेहद खुश हैं। आज तीन वंदे भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश वासियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भोपाल इंदौर, इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, जबलपुर भोपाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि वो इस शुभ कार्य में शामिल हो। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर के बीच 340 किलोमीटर की दूरी है, 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के द्वारा लगभग 4.5 घंटे में ये सफ़र पूरा होगा। 1 घंटे की समय की बचत। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो 269 किलोमीटर की दूरी का सफ़र करने में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत के ज़रिए 3 घंटे में भोपाल से इंदौर सब जा सकेंगे। बेहतरीन कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में वंदे भारत की। और इसी तरह से आज जिस तरह से ये पांच वंदे भारत भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई राष्ट्र को समर्पित की हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस समय इस ट्रेन में हमारे देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उनके दिल की बात सुनी, सफ़र कर रहे हैं और वो हाथ हिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब हमेशा से ये बच्चे रहे हैं, जैसे एक नव भारत के संग में उठो विश्व प्रांगण में, जैसे तिमिर चीर निकला है प्रखर सूर्य पूरब में, बच्चों देश तुम्हारा है इसके सौभाग्य तुम ही हो, इसकी प्रगति कथा के निर्भय गौरव गान तुम ही हो। सभी मध्य प्रदेश वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भोपाल और मध्य प्रदेश वासी आज बेहद खुश हैं क्योंकि आज उनको तीन वंदे भारत, ये दो मिलाकर तीन वंदे भारत की सौगात मिल गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही कही पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। एक बार जोरदार भारत माता की।